जी, तो कैसे हैं आप सब? एक नया दिन, एक नई शुरुआत के साथ गुड मॉर्निंग आप सभी को। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी काफ़ी अच्छे हैं। और अभी समय हुआ है सुबह के, एक्चुअली दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, और बाकी हमारी अभी सुबह हुई है क्योंकि आज है संडे। और आज क्या स्पेशल है भाई? हमारा ऑफ है दोनों का और हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अभी। तो भाई अभी दिव्यांगना ने बनाया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बने पोहे। पोहे खा लो, पोहे पोहे पसंद नहीं खाते हैं अपनी बनी है इसलिए। चाय, चाय के साथ अपने दो टोस्ट और ये चाय। और आज हम कहाँ जाने वाले हैं भाई? वो सरप्राइज है, सस्पेंस है, सरप्राइज है। सस्पेंस का इससे पहले वाले ब्लॉग में बता चुके हैं यार। अरे मेरी, हम जाने वाले हैं कमला नगर और फिर मैं वहीं घूमूंगी। यस, ये आज अपने घर जा रही, तो मैं इनको 2-3 दिन के लिए तक लिया। बाय बाय, 2-3 दिन हम इनको वहीं छोड़ेंगे। फिर करवा चौथ, यस, फिर हम करवा चौथ पे जाएंगे इनके पास लेने इतने। अभी अपने 2-3 दिन घर रहेंगे और हम करेंगे आराम। हम आराम ही करते हैं। हाँ, दिख रहा भगवान। ये सब जो YouTube की फैमिली ना, बस ये कह रही कि भैया तुम्हारी आंखों में हो क्या गया है, ये आंखें कहाँ चली गई है, इतनी सूजी हुई है। मेरी मेरी फैमिली भी यही कहती है, क्या हो गया ये, आंखें कहाँ धस गई हैं। एक कर रही इतना आराम और एक की ओर रखी है नींद आराम। अब लेकिन 2-3 दिन के बाद उल्टा इसको रिवर्स कर दो। चलो तो अब करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर यहाँ से निकलेंगे। कितने बजे निकलोगे? कितनी 15 मिनट देर में निकलोगे? 15 मिनट में? अभी मुझे पैकिंग करनी है। तो चलो अभी पैकिंग करेंगी यार, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे क्या रहता सब चीज़ें ना भाई। चलो तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। दिव्यांगना हो चुकी है बिल्कुल एकदम रेडी, और वो रखा उनका सामान जो पैक कर चुके अपने थैले में। थैला है, तो दिखा तो दो क्या पहना तुमने। मैचिंग तो भाई इन्होंने पहनी है बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े, सेम सेम। ये इनका मेरे लोवर का देखो सेम कलर ऐसा, इनका ये कुर्ती का कलर ऐसा, तो मैचिंग मैचिंग चल रही है आज है। अच्छा चलो तो भाई फिर चलें, अब चलें। चलो तो भाई अब बिल्कुल रेडी हैं, हम भी रेडी हैं। तो हम तो हो चुके हैं पहले ही रेडी, ये देखो। और सामान वामान सब पैक कर चुके हैं, दीदी अभी लग रही हैं सफाई करने। चलो तो भाई अब छोड़ के आते हैं दिव्यांगनों को उनके घर पर, 2-3 दिन रहने देते हैं। ये सारा सामान वामान उन्होंने पैक कर चुकी हैं और आज ये शॉपिंग पे जाएंगी। करवा चौथ की शॉपिंग भी करनी है इनको, तो आपको दिखाऊंगा करवा चौथ पे क्या क्या ये शॉपिंग करनी करती है ना भाई। तो आज हम मार्केट भी जाएंगे कमला नगर, तो आपको दिखाएंगे। प्रशांत की भी शॉपिंग करेंगे और आप मेरी भी शॉपिंग करेंगी। चलें चलो। तो भाई बाकी बताना कैसी लग रही है दिव्यांगना आज? मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। बाकी आप भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कैसी लग रही है, और मेरा भी बता देना मैं कैसा लग रहा हूँ। एक बार और दोबारा देख लेना भाई, फिर कहना मत। ये देख लो आप एक बार और कैसा लग रहा हूँ मैं तो भाई मामला मामला सब रेडी हो चुका है अपना। ये दिव्यांगना का ऑफिस का बैग, ये सारा सामान सब पैक हो चुका है, दिव्यांगना रेडी हो चुकी है। और अब हम चलते हैं। ये रे मम्मी, तो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो भाई चलें अब। चलो भाई तो घर की तरफ होते रवाना। अब ऑफिस घर से भी आएगी 2-4 दिन, जितने दिन रुकेंगी उतने दिन ऑफिस अपना जाएंगी, नहीं जाएंगी छुट्टी मार लो। ये बच्चों का स्कूल है, छुट्टी मार। चलो ले भाई गाड़ी चला, आ जा। कल ही लगी है ना आज, फिर आज पूरी गाड़ी डैमेज। ये भाई साहब ऐसे हैं बिल्कुल ही, मेरी तो जवान को ऐसे समझते हैं। सरस्वती पूरी 24 घंटे बैठी रहती माता जी। 24 घंटे नहीं, सुबह घंटे तो बैठती बोला तू लिखवा ले, 2 बजे से पहले निकल जाए। 12 बजे, अभी तो 12:10 है। हमारी घड़ी रुक चुकी है, मेरी जवान पलट चुकी है। चलो भाई चलो, चलो यार अब तुम्हारा सामान देना है, देखो 2 ही बज रहे। चलो भाई 2 बज चुके हैं, दादा दादी का आशीर्वाद पूरा है 2 बजे भी। चलो और ये निखिल है, निखिल की अभी तबीयत ठीक नहीं हुई है वैसे भाई, ये अपना रेस्ट कर रहा है, बीमार है, रेस्ट कर रहा है। और बाकी माऊ और कैली पता नहीं कहाँ गए हैं दोनों। भाई बारिश अभी तक हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल भी।
दिव्यांगना भी आने वाली है, आ चुकी है, वैसे तो आ रही है। ये हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बाकी जय शंकर की। और टाइम हो चुका भाई 2:13। ये आ गई मम्मी दिव्यांगना को छोड़ने, वो रही दिव्यांगना। और ये अभी आया दिव्यांगना का एक पार्सल मिंत्रा से। पार्सल के आते कितनी खुशी हो रही है। दो खुशी अंदर जाने की और इसकी। चलो तो इनकी खुशी करते हैं चार गुना, इनको मार्केट की भी खुशी देते हैं, मार्केट में घूमने ले जाते हैं। और बारिश हो रही है भाई, क्या करें, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, चलते हैं। और अब आपको मिलेंगे सीधा कमला नगर पहुँच के, क्योंकि भाई रास्ते में बारिश है, थोड़ा जाम वगैरह भी है इस वजह से। अपना वो तो देख लेना, ठीक है। चलो बाय, अब आपको मिलेंगे सीधा कमला नगर पहुँच कर, ठीक है भाई। यस ओके। और भाई वीडियो को थोड़ा प्यार दो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि ऐसी हमें मोटिवेशन मिले रोज नई नई वीडियो बनाने की। हाँ वही तो सही बात है यार, आप जितना हमें प्यार दोगे हम भी उसी हिसाब से कंटेंट बनाएंगे, मोटिवेट होंगे और एक अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक अच्छे से प्यार दो हमारी वीडियोस को। जब भी वीडियोस पे व्यूज कम होते हैं प्रशांत उसी दिन डीमोटिवेट होते हैं, कहते हैं मैं नहीं बनाऊंगा। नहीं डीमोटिवेट तो वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। अप डाउन तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, बट आप हमें पता, हमारी ऑडियंस जो है, हमारी फैमिली जो है बहुत अच्छी है, हमें बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार देगी। तो वैसे ही आप हमारी वीडियोस को काफ़ी प्यार दीजिए और शेयर करना, ठीक है। टाटा बाय बाय, आपको मिलेंगे सीधा कमला नगर पहुँच कर। भाई बारिश आने के बाद ना ये दिल्ली में इतनी बुरी हालत तो होनी होनी होती है, देखो रोड में कैसे पानी भरा पड़ा है। कहने और, कैपिटल है इंडिया की। और ये देखो आप कितना पानी है पूरे रोड पे, देखो तेरी आगे तक, ये हालत है ये। और ये NH1 है, बाईपास है हमारा, यहाँ से जहाँ से सारे स्टेट की बसेस वगैरह जाती है, और वहाँ पे ऐसा हाल हुआ हुआ है। तो कोई पता नहीं क्या हालत है, देखो रोड की यार, आदमी क्या ही करे, दिल्ली में रहे और मुसीबत, मतलब मजबूरी है रहना तो एक तरीके से, क्योंकि कमाई भी है, अगर आप यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो अदर स्टेट में जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भाई ये सब चीज़ें देख के ना बड़ा दिल दुखी होता है कि भाई क्या ही कर रही है। कैसा लग रहा है दिव्यांगना अब आपको? अच्छा लग रहा है भाई, दादी की थोड़ी तबीयत खराब है, ठंड है, मौसम बदल रहा है उस वजह से। बाकी बुआजी की, और ये बंद कर दिया, ये पता नहीं भाई कैमरा देखते क्या हो जाता है, एकदम थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है। दादी और दादी बिल्कुल ओके रहती है। दादी को पता नहीं चल रही ओ कहीं वीडियो बना रहे बताओ, वीडियो कॉल है ना भाई। ये आप सबको याद होगा बोंग्स किचन पे मटको आई थी, और आज इसने यहाँ भी सरप्राइज दे दिया, और वीडियो के लिए अपने आप को रेडी करते हुए, और हाथ में प्लेट में आप देख सकते हैं क्या भरा हुआ है। क्या है भाई? मामी के हाथ के चावल। आज ये मामी किचन का खाना है, तो भाई फुल पैकिंग चेकिंग के साथ रुकने का प्रोग्राम, कितने दिन का? जब तक दीदी रुकेंगी। तो भाई ये गुड्डू का साथ देने आई है, तो ऐसी साथ चाहिए बिल्कुल। क्या बट क्या रुकना, मेरा ऑफिस है सुबह से शाम। सही बात है, टाइम बदल गया नहीं, मतलब वही दिन से रात तक, अभी बीच में तो बदल गया था। हाँ बुआजी को मैं दिखाओ ना। नहीं बुआजी को नहीं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अच्छा यस, मैं करवा चौथ तक यही रहूँ, आगे करवा चौथ भी 3 दिन के बाद है। शॉपिंग कर ली तुमने? बारिश में कैसे करोगे? देखेंगे अभी। अच्छा किसको लेके जाओगे साथ? कोई भी, अब तो इतने सारे ऑप्शन है, बुआजी को भी मार ऑप्शन दिखाओ सारे। क्यों आप मम्मी ने कहा था बुआजी रुकने आई है तो मटको को ले जाइए ना साथ, अपने मटको को साथ ले जाना। मटको तू भी जाएगी? तेरी मर ना गई अब लो मगर आई। तो भाई रसोई चेंज हो चुकी है, और बेटा यही क्या कर रहा है, और ये
नहीं, ये हमारी माता श्री और मुंह छुपाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, अपनी सैलेड कट रही है, खाना रेडी है, और खाने में क्या बनाया मम्मी ने, मेरी कसम है जो आपने ये वो खाने डाली है, कसम है तो चलती नहीं है इस चीज में। पूरी 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 कौन, तुम बनाओगे मम्मी बनाएगी? नहीं नहीं मैं नहीं डालूंगा, चप्पलें भी चेंज होगी भाई, देखो कैसे लाइट वाली चप्पलें, आज मैंने स्पेशल बाल भी इसलिए करे हैं ऐसे, बता गुड्डू है नहीं डिट्टो, तो भाई डिट्टो तो देखो ये है दोनों एक जैसी, मम्मी को देख रहे हो और मम्मी कितने साल की है, इसे मुझसे मिला रहे हो, नहीं कह रहे थे तू ऐसे हो जाएगी, मैं इसको इनको बोल रही हूं, खीरों पे पूरा जोर दिया जा रहा भाई साहब सजावट के साथ। पेट में जगह ही नहीं है बिल्कुल भी, आलू पूरी खाने के लिए भी जगह नहीं बच रही, नहीं मैंने पहले नीचे कहा था ना चावलों पे कम जोर, भाई ये है लूना, बहुत शैतान है भाई साहब ये देखो इसकी हरकतें, भाई ये आ चुका है अपना खाना, ये गर्मा गर्म करारी करारी पूरी और साथ में आलू टमाटर का झोल और ये अपना साथ में रायता, तो भाई बारिश वैसे हो रही है और आलू पूरी खा के तो मज़ा ही आ जाएगा, और ये दिव्यांगना लाइट का गेटअप बनाते हुए अच्छा फोकस देते हुए लाइटों का खाने पे, तुम्हारा खाना कहाँ है, और ये अभी मसाज चलती है लूना की, कोई खाना वाकई में बहुत लाजवाब बना है, मजा आ गया, मैंने थोड़ी बार मम्मी ने बनाया, नहीं मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आपकी डिमांड पे बना है, हाँ भाई ये डिमांड पे बनी है आलू पूरी, खा के बताओ कैसा है, अच्छा भाई वाह, पहला निवाला पति के नाम का निकाला, भगवान जी का है, अच्छा शादी के बाद पति भगवान होता बेटा, कैसा मस्त है ना, मजा आ गया भाई खाने में गजब, चलो अब खाना फिनिश करते हैं फिर आपको मिलेंगे सीधा खाना खाने के बाद, और आपको आगे की वीडियो बनाएगी दिव्यांगना जब वो जाएगी शॉपिंग करने, और आपको दिखाएगी क्या क्या उसने खरीदा अपना करवा चौथ के लिए, और वो तो कैसे देख रही भूख पीछे खड़ी, तो भाई मैं सो गया था अपना खाना पीना खा के, पूरियों का ऐसा नशा हुआ मुझे जैसे एनेस्थीसिया लग गया हो मेरे, और मैं बेहोश होके सो गया, अभी गुड्डू आई है ऑफिस से और भाई मेरे लिए लाई है, अरे यार दिमाग में ऑफिस ही चलता, सॉरी एक्चुअली कहाँ से है, मार्केट से और मेरे लिए क्या लाई है दिखाओ उठा के, तो भाई मेरे लिए कुर्ता लाई है और देखने में तो अच्छा लग रहा है, आ जाएगा क्योंकि मुझे बस ये लग रहा थोड़ा बड़ा है, लूज ना रह जाए, चलो ठीक है अच्छा लग रहा है, और अभी वहां से एक चीज और लाई है मेरे लिए, क्या लाया तुम्हें, ब्रेड पकौड़ा, ये इनको आते हुए दिखा था तो पूछ रहे थे ये क्या होता है, हाँ क्योंकि मेरे को एक्चुअली खाता नहीं ना ब्रेड पकौड़ा, इसलिए पूछा ये क्या होता है, और ये साथ में है बिस्किट और ये समोसा और चाय, और ये घबराते हैं, नहीं 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 मम्मी खा रही है समोसा, और ये मटको वैसे इतना शर्म आ रही है, वहां ये बोंग्स किचन पे बर्गरों की नाड़ तोड़ रहे थे कैसे कुरकुर करके, मटको नहीं बागिशा का प्लान चेंज हुआ, पहले इसको हमारे साथ आना था, फिर बागिशा तू बताओ कैसी लग रही बैठे, ऐसे हमारी कैली देखती है हल्का सा यूं करके, टेढ़ी टेढ़ी, तुम चाय पी लो, चाय पीते हैं, और पापा क्या कह रहे हैं खाने की, क्या खाएंगे आज, मटन, तो वही अभी मटन वटन बनवाएंगे, पहले मैं मार्केट में आई थी और अब हम दोनों मार्केट में आए, स्कूटी पर आए, क्यों आए हैं तो बताओ, कुर्ता लिया था उसका साइज थोड़ा बड़ा है तो उसको चेंज करना है, अब देखते हैं अपनी पसंद का खुद ही ले आएंगे, और देखो स्कूटी चला रहे हैं, बारिश हो रही है, हम दोनों पहली बार स्कूटी पर बारिश में घूम रहे हैं मजे से, कमला नगर में, ये देखो और आप रश देख सकते हो फेस्टिव सीजन का, ये कमला नगर है और दिवाली तक ये और रश हो जाएगा, बारिश कंटिन्यू हो रही है कल से, मुझे हालांकि मुझे बारिश बहुत पसंद नहीं है बट स्टिल इनका खुद का चेंज कराना बहुत जरूरी था, है चले तो फिर दिव्यांगना आपसे मिलेंगे अब 3 से 4 दिन के बाद, है ना ये क्या है।
तो तेरे बेचारा रो क्यों रहा है, रो क्यों रही है तू, मैं यही हूँ कहीं नहीं जा रहा, क्यों रो रही है तू? तो भाई थोड़ा सा बेचारी अब मेरे बिना इसको मन नहीं लगेगा इसके, है ना भाई? लग जाएगा नहीं लगेगा सच को बोला तूने, लग जाएगा सच को बोला तूने। चलो तो चलते हैं, अब आपसे मिलेंगे 2 या 3 दिन के बाद, दिव्यांगना भी आपको मिलेगी 2 से 3 दिन के बाद, है ना? तो करते हैं टाटा। यस, तो अभी दिव्यांगना करेगी शॉपिंग अपने करवा चौथ की। थोड़ी बहुत सामान लिया है, फैब्रिक लिया है मैंने आज अपना, तो थोड़ा बहुत सामान ले चुके हैं वैसे। प्रशांत की शर्ट ली है, यस वो दिखा दी मैंने, शर्ट ली है प्रशांत का है, और एक मेरे इन्होंने मेरे लिए एक वॉच भी लिया है एक। तो चलो अब तो, ये क्या लाएंगे वो देखना होगा। यस, हम तो खाली आता है थे, खाली आज जाएंगे। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और लूना को भी करते हैं, लूना को भी करते हैं, प्रशांत को बाहर करो, बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो। ओ भाई बाय, चलो लूना से पहले आप बाय कर दो, टाटा बाय बाय। इस ब्लॉग को करते हैं एंड, आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए प्रदीप ब्लॉग। तो टाटा बाय बाय बाय।